हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है CDS, FCAT और SSB को लेके, क्योंकि अब इंपीटस गुरुकुल में अभी तक आप लोग ऑनलाइन कोर्स लेते थे, इस साल से हम लोग 10 जून से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक CDS, FCAT और एक सेपरेट SSB के लिए भी सेशन एक बैच रहेगा। आप पहले एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि और अभिषेक सर इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एंट्री अगर डिफेंस में कहीं होती है तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, यानी अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी, बीटेक कर रहे हैं तो भी। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वे हो सकते हैं जिसके थ्रू आप डिफेंस में जा सकते हैं। कैसे जाना चाहिए, किस ढंग से प्रिपरेशन करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभिषेक सर आप इनको देंगे। और कुछ बच्चे क्योंकि डायरेक्ट एंट्री भी लेते हैं तो उनके लिए SSB ही फोकस होता है, तो आप मैं चाहूँगा कि एक सेपरेट ये भी बताएं कि अगर केवल SSB अगर उनका डायरेक्ट एंट्री है तो क्या करना चाहिए, दूसरा एफकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, या CDS के लिए किस ढंग से रिटर्न प्रिपरेशन की जाए, और क्योंकि बच्चे क्लासरूम कोर्स के साथ साथ ऑनलाइन से भी जुड़े हुए हैं तो आप इनको एक पूरा पैटर्न बताइए, एक मॉड्यूल बताइए जिससे ये या तो क्लासरूम को ज्वाइन करें या फिर घर पे ऑनलाइन रह के प्रिपरेशन करें। तो इस चीज़ की डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिए। एफकेट को कई लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि एफकेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है, ज़्यादा एंट्रीज भी होती हैं, इजीली निकाला जा सकता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे। सो गाइज, आज हम यहाँ पर जो हमारे ग्रेजुएशन के बाद SSB इंटरव्यू देने के जो चांसेस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, दो रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में बात है। पहला जो है वो है CDS एग्जामिनेशन और दूसरा जो है वो FCAT एग्जामिनेशन है, ठीक है। बिकॉज आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन में आज के टाइम पर लोगों ने ग्रेजुएशन में स्कोर करना एक नॉर्मल सी बात हो गई, 70% 80% लाना। सो जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं इसमें एक भीड़ आती है जो SSB को फेस करने के लिए जाती है वहाँ पर। तो अगर मैं ये डायरेक्ट एंट्रीज के बारे में बात करता हूँ तो आर्मी में कुछ डायरेक्ट एंट्रीज हैं, जैसे मैं एक एंट्री के बारे में बताता हूँ, उसका नाम है SSC टेक, ठीक है, टेक्निकल एंट्री है, इंजीनियर्स के लिए है। उसके बाद एक होता है TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये दो इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती है जो कि इंजीनियर्स के लिए होती हैं, मतलब इंजीनियर्स इनके थ्रू यहाँ पर SSB को डायरेक्ट दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ नेवी में बहुत सारी एंट्रीज होती थी, लेकिन आजकल नेवी में एक एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है INET, ठीक है। तो ये INET एग्जामिनेशन है, अभी तक क्योंकि एक भी एग्जामिनेशन हुआ नहीं है तो इसका एग्जैक्टली लेवल क्या होगा इसका किसी को आइडिया नहीं है, बट ये कहा जा रहा है कि INET एग्जामिनेशन जो होगा ये इक्विवेलेंट होगा FCAT एग्जामिनेशन के, बिकॉज इनका पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है। उसके साथ ही साथ एयरफोर्स में कोई भी डायरेक्ट एंट्रीज नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत सारे एजुकेशन वगैरह की भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अलग अलग एंट्रीज हैं जिनके थ्रू आपको रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर SSB को फेस कर सकते हो। SSB की प्रिपरेशन में रिटर्न एग्जामिनेशन का कोई रोल नहीं होता है, आप डायरेक्टली यहाँ पर SSB की तैयारी कर सकते हो, और दैट इज द रीजन कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेपरेट कोर्स फॉर SSB इंटरव्यू, जहाँ पर आपकी SSB की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें तीन टेक्निक होती हैं। उन तीनों टेक्निक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो यहाँ पर सबसे पहले होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद होगा ग्रुप टेस्टिंग, ठीक है। जो तीन टेक्निक से यहाँ पर SSB में टेस्टिंग होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। यहाँ पर एक क्लियर कट अप्रोच बताया जाएगा, देखिए यहाँ पर कहीं से कॉपी पेस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है, कि एक कोचिंग का दिखा के दूसरी कोचिंग से ये करके समझाया जा रहा आपको, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर मैं अपने SSB एक्सपीरियंस के थ्रू और जो भी मैंने यहाँ पर आज तक सीखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्लियर कट अप्रोच बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन को, SSB इंटरव्यू को यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है उन दोनों लोगों के लिए, पहली बात ये, जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, देखिए ऑफलाइन क्लासेस इज बेस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाओगे, समझ पाओगे। ऑफलाइन इंटरेक्शन होने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगी, और जो भी फीडबैक मिलेगा उसके थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो तो आपको ऑनलाइन कॉन्टेंट भी मिलेगा, आप घर पे बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है ये ऑफलाइन पर्पज़ से भी किया गया है, ऑनलाइन पर्पज़ से भी किया गया है, चाहे वो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए हो, चाहे वो SSB इंटरव्यू के लिए हो। तो SSB इंटरव्यू में क्लियरली हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं SSB के ऊपर, रिटर्न एग्जामिनेशन की कोई बात नहीं होगी। दूसरी चीज, जो लोग CDS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग FCAT एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको SSB की भी तैयारी करवाई जाएगी, बिकॉज ये दोनों कोर्सेज क्या होंगे, साथ में रन करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर
CDS का भी पढ़ाई किया, Afcat का भी किया. The people who are preparing for SSB interview, आप इन क्लासेस को यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं. इससे आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ SSB इंटरव्यू को प्रिपेयर करने का एक ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और वहाँ से आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर CDS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, Afcat एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्या दोनों एग्जामिनेशन का साथ में प्रिपरेशन हो सकता है क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर सिलेबस कितना डिफरेंट है, सिलेबस किसका सेम है, क्या सब चीज़ें हैं. वो सारी चीज़ों के मैं आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा और डेफिनेटली इन चीज़ों को समझने के बाद आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाओगे. सबसे पहले बात करते हैं Afcat एग्जामिनेशन की. सो Afcat एग्जामिनेशन में एक चीज़ आपको समझना है, सिलेबस में आता क्या क्या है. पहली बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है, जिसको मेंटल एबिलिटी कहा जाता है. मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो अरिथमेटिक आता है, ठीक है, जो अरिथमेटिक मैथ्स होता है ना, जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स नहीं होता, मतलब ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, अरिथमेटिक आएगा. और दूसरा जो है ये आता है आपका रीजनिंग, ठीक है. रीजनिंग में भी मैं क्या बोलता हूँ इसको, इसको बोलता हूँ मिलिट्री इंटेलिजेंस या मिलिट्री एप्टीट्यूड, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही सरल रीजनिंग आती है. तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश. और जो चौथा सेक्शन होता है इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं GS, लेकिन मैं बोलूँगा इसको GK, ठीक है. दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, एक होता है जनरल स्टडीज, एक होता है जनरल नॉलेज, है ना. क्योंकि Afcat एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लॉन्ग जंप का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कितने मीटर का है. CDS एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ना. तो सिंपल सा लॉजिक है ये कि यहाँ पर जो पूछा गया ये जनरल नॉलेज पूछा गया. क्लियर कट यहाँ पर बताया गया है कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे. तो यहाँ पर आते हैं 18 क्वेश्चन, यहाँ पर आते हैं 32 क्वेश्चन, यहाँ पर आते हैं 25, यहाँ पर आते हैं 25. टोटल जहाँ पर ये मार्क्स होता है वो होता है 300 का, 2 आर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है. ये पूरा पैटर्न होता है आपके Afcat एग्जामिनेशन का. अगर मैं बात करूँ 2019 फर्स्ट साइकिल, तो इसका जो कट ऑफ गया वो गया 133 मार्क्स, ठीक है. ये इस बार के बारे में बता रहा हूँ. बहुत सारे लोग जिन्होंने 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे उन्होंने इस बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया गया, बिकॉज एक ट्रेंड बना हुआ है, एक मिसगाइड किए जा रहे हैं लोग कि अगर आपके 180 प्लस 175 प्लस आपके अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो आपके ऊपर एक खतरा मंडराता है जिसको बोलते हैं मैरिड आउट होने का. क्या होता भाई, मैरिड आउट हो जाओगे. देखो आपने इस खतरे को मंडराने के लिए इतने नंबर लेकर नहीं आए, आपको SSB देने का तो वैसे भी मौका नहीं मिला, तो आप SSB से ही आउट हो गए. मैरिड आउट तो बाद की बात है. तो बेसिकली जिनके पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं, पेपर क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो. और हमारा जो ये ऑफलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, ये इंश्योर करेगा कि मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या GK हो, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके और आपका एग्जामिनेशन का जो स्कोर है वो बहुत आसानी से आप 200 प्लस यहाँ पर अचीव कर सको. बहुत बड़ा टास्क नहीं है. आई हैव स्टार्टेड Afcat एग्जामिनेशन इन ईयर 2015, मेरा स्कोर था 135 जब मैंने पहली बार दिया था, और 2019 सेकेंड में मेरा स्कोर है 268, ठीक है. तो आप देख सकते हो. तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरीके से अपने स्कोर को इम्प्रूव किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी. आपके मैथमेटिक्स सेक्शन को भी उसी तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा. क्वेश्चंस क्लासरूम प्रोग्राम से, ऑनलाइन प्रोग्राम से डायरेक्टली आपके पेपर में आएंगे. इतना एक्सपीरियंस Afcat एग्जामिनेशन का हो चुका है जो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. साथ ही साथ रीजनिंग बहुत आसान है, ज़्यादातर लोग इसके क्वेश्चन कर सकते हैं. 28 से 29 क्वेश्चन लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे. हम इंश्योर करेंगे कि जो 3 क्वेश्चन लोग नहीं कर पाते वो भी आप अपने एग्जामिनेशन में कर सके, बिकॉज आपको जो कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा वो बहुत ही ऑथेंटिक होगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला होगा. इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट सेक्शन होता है. मैं कहूँगा कि चारों सेक्शन में से जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है Afcat एग्जामिनेशन का, दैट इज इंग्लिश ओनली. ये इसीलिए डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि इंग्लिश है, ये इसलिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज इंग्लिश बहुत बड़ा है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं किया जा सकते. इंग्लिश में वोकैब्स के ऊपर भी ध्यान रखोगे, 3 सिनोनिम पूछे गए, 3 एंटोनिम पूछे गए आपसे, ठीक है. तो 3 तो कितने सारे में से 3 पूछे गए, तो हो सकता है आपको उसका मीनिंग पता हो, सकता है नहीं पता हो. तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करोगे तो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन जो इम्प्रूव हो जाएगा. और GK ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको आप बिल्कुल कभी भी श्योर नहीं हो सकते हो कि क्या ये चीज़ सही हो पाई है या नहीं हो पाई है, क्या ये पर्टिकुलर सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो पाया कि नहीं हो पाया. यहाँ पर वो पर्टिकुलर टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा. आज तक मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट वाला एग्जामिनेशन हुआ है इसमें भी करीब 50-60% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली जो मैंने पढ़ाया था बच्चों को वो डायरेक्टली पूछा गया, ठीक है. 40% जो है
वो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो जाता है, 40% बाहर से किसी से आया, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो उन्हीं टॉपिक से आए जो मैंने बच्चों को बोले हैं कि उनको वहाँ पर पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके हो, आपको वो सोर्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे, वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सको। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं बताऊँगा कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई जो होता है, एग्जामिनेशन जो निकलते हैं वो आपके निकलते हैं टेस्ट से। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपको ये पता चलेगा बेसिकली कि आपको किस तरीके से पेपर में अपने आप को इम्प्रूव करना है, कौन से सेक्शन में आप कम परफॉर्म कर पा रहे हो, कौन से सेक्शन में ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हो। हमारी क्लासेस में आपको ये पता चलेगा कि आपका डेली टेस्ट में स्कोर कैसा है, बिकॉज यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, ऑफलाइन भी हैं ऑनलाइन भी हैं। जो भी टेस्ट यहाँ पर ऑफलाइन में प्रोवाइड किया जाएगा वो ऑनलाइन में भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपनी रेगुलर टेस्ट से ये समझ सको कि आपकी प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है, कौन सा सेक्शन है जो कि कमजोर हो रहा है, कौन सा सेक्शन जो है वो आपका डिफिकल्ट है, उसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंश्योर कर सकते हो। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप 1-1.5 महीने अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ली तो डेफिनेटली आपका एफकैट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो SSB वाला ये कॉन्टेंट है ये भी बहुत आसानी से कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइज ये था पूरा डिस्कशन हमारा एफकैट एग्जामिनेशन का। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है ये बात करते हैं हम CDS एग्जामिनेशन की, बिकॉज CDS के लिए देखिए एक चीज आपको समझने की कोशिश करनी है, जो CDS एग्जामिनेशन है ना, CDS एग्जामिनेशन का ही सिलेबस जो लोग बोलते हैं कि भाई सारे क्वेश्चन जो है हमारे नोट से आएंगे, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, एक होता है हार्डवर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। CDS एग्जामिनेशन निकालने के लिए हार्डवर्क तो करना है, बट वो स्मार्टली करना है ताकि आप अपने CDS एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सको। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपने एयरफोर्स अकेडमी के लिए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए एंड इंडियन नेवल अकेडमी के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपको 3 पेपर देने हैं। पहला पेपर है इंग्लिश का, दूसरा पेपर है GS का, तीसरा पेपर है मैथ्स का, ठीक है। उसके बाद अगर आपने OTA के लिए अप्लाई किया है तो आप इंग्लिश का दोगे प्लस GS का दोगे, ठीक है। इसमें आते हैं टोटल 120 क्वेश्चन, इसमें आते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। 2-2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। मैथ्स में आपका अर्थमेटिक भी आएगा प्लस एडवांस भी आएगा, दोनों टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 0.83 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग करते हो तो 0.27 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात करें तो एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी के पेपर को निकालना बहुत आसान है, चाहे वो इंग्लिश उनकी अच्छी हो, GS अच्छी हो या ना हो, लेकिन मैंने देखा है कि 80% जो जनता है वो मैथ्स के दम पर एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, नेवल अकेडमी के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेती है, बिकॉज जो कट ऑफ जाता है वो जाता है अराउंड 135 to 140। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, एयरफोर्स अकेडमी क्योंकि ये परमानेंट कमीशन है और यहाँ पर पायलट बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता ना कि ग्राउंड ड्यूटी या टेक्निकल के लिए, इसीलिए ये कट ऑफ जो है ये ज़्यादा जाता है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी, नेवल अकेडमी भी परमानेंट कमीशन है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 115, 110 या दोनों के आसपास ही इनका कट ऑफ जाता है। सिंपल सा है, एक कैलकुलेशन आपको करनी है। मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, मैं बात करता हूँ GS की, मैं बात करता हूँ मैथ्स की, ठीक है। बच्चे जो फेल होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं GS की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल कट ऑफ। लोग इंडिविजुअल कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से वो GS के पेपर को क्वालिफाई नहीं करते और उनका CDS एग्जामिनेशन नहीं निकलता। बट यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ना, मैथ्स को पढ़ना बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप यहाँ पर इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। यहाँ पर जो भी इंग्लिश की क्लासेज होंगी, मैथ्स की क्लासेज होंगी, उनके थ्रू आप अपने स्कोर को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हो और इतना स्कोर कर सकते हो कि बहुत आसानी से आप अपने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि GS को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो GS को प्रिपेयर करने के लिए आपको देखिए साइंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, अगर आप साइंस अच्छी तरीके से कर लो, हिस्ट्री को अच्छी तरीके से कर लो, पॉलिटी को अच्छी तरीके से कर लो और करेंट इवेंट जो है उनको अच्छी तरीके से पढ़ लो, तो आपके जो इंडिविजुअल कट ऑफ होते हैं, मतलब कि जो आपको 100 में से 20% मार्क्स लेके आने, 20 मार्क्स लेकर आने, वो बहुत आसानी से हो सकते हैं। देखिए GS को पढ़ना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज जो UPSC है ना, UPSC के पास एक ही तरह का चश्मा है और उसी तरीके से वो UPSC CSE वालों को भी देखती है, CAPF को भी देखती है, NDA एग्जामिनेशन एंड CDS एग्जामिनेशन
सभी के लिए जो उनका लेवल है ना दैट इज सेम. ऐसा नहीं होगा कि सीएससी वालों का पेपर है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एनडीए का पेपर है तो इजी होगा. नहीं, सबका पेपर का लेवल जो होता है सेम होता है. ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई साइंस का जो है ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, सीडीएस में ज़्यादा आते हैं, हिस्ट्री के ज़्यादा आएंगे. हो सकता है एक साल ज़्यादा हो, एक साल नहीं हो. तो आपको बेसिक जो आपका फाउंडेशन है वो स्ट्रांग करना पड़ेगा. अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ही जीएस यहाँ पर क्वालिफाई हो सकता है. हम इंश्योर करेंगे हमारी क्लासेस में कि आपका इंग्लिश का बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके, मैथ्स का बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके, साथ ही साथ जीएस के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनके थ्रू आप यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्वालिफाई कर सकते हो. रिमेंबर दिस थिंग, 80% लोगों का सीडीएस जो क्वालिफाई नहीं होता वो इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि उनके जीएस में 100 में से 20 नंबर नहीं आते. ठीक है. सो यहां पर की क्लासेस में मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया. ठीक है, टेस्ट सीरीज होगी यहां पर, साइंस की अलग होगी, हिस्ट्री पॉलिटी मिक्स होगा, ताकि आप अपने स्कोर को देख सको और पर्टिकुलर सेक्शन आपको पता चल सके कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में आप यहां पर डिफिकल्टी फेस कर रहे हो. तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां पर जितने भी मैंने चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं अगर आप इनको कंसीडर करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर जो हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है 10th of June से, वो आपके सीडीएस और एफकेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा. साइमल्टेनियसली जो लोग डायरेक्ट एंट्री के थ्रू यहां पर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये एसएसबी वाला जो कोर्स है बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत सही टाइम पर आया. बिकॉज ये सीडीएस और एफकेट एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर में एग्जामिनेशन है आपके, तो बहुत अच्छा टाइम है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आप यहाँ पर इस क्लासेस के लिए इनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट करें. साथ ही साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एसएसबी की डेट आ जाएगी तो मैं एसएसबी की तैयारी करना स्टार्ट करूंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप एसएसबी की प्रिपरेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जब तक आप एसएसबी देते हो. तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एसएसबी की प्रिपरेशन जितनी जल्दी कर लोगे, जितनी जल्दी आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से एसएसबी की प्रिपरेशन होती है, तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनालिटी को डे टू डे इंप्रूव कर पाओगे. कुछ नया रोज सीखोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो रिक्वायरमेंट होती है जो वहां पर एसएसआर देखते हैं कैंडिडेट में, उन रिक्वायरमेंट को आप बहुत आसानी से फुलफिल कर सकते हो. तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर बताई हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है. और उसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जैसे एक चीज ये याद रखना है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सीडीएस और एफकेट और ये जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है केवल मेल कैंडिडेट के लिए. नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है. सीडीएस एग्जामिनेशन में मैंने आपको ओटीए के बारे में बताया है, तो ओटीए में जो फीमेल एस्पिरेंट्स होती हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकती हैं. ठीक है, एफकेट में चाहे वो फ्लाइंग ब्रांच हो, चाहे वो आपकी टेक्निकल ब्रांच हो, चाहे वो आपका ग्राउंड ड्यूटी हो, ग्राउंड ड्यूटी में भी एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक के बारे में बात कर रहा हूं, इसके लिए फीमेल यहां पर अप्लाई कर सकती हैं. फिर उसके बाद जो एसएससी टेक मैंने बताया था, एसएसबी में आर्मी में एसएससी टेक होता है, सो एसएससी टेक के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं, एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकती हैं. ठीक है, एफकेट में मीटरोलॉजी एक ब्रांच होती है उसके लिए वहां पर वो अप्लाई कर सकती हैं. और उसके बाद आईनेट में जो इंजीनियर्स हैं फीमेल एस्पिरेंट वो लोग अप्लाई कर सकती हैं. तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है. बिल पास हो चुका है कि वुमेन को भी परमानेंट कमीशन दिया जाएगा. थोड़ा सा टाइम लगेगा इंप्लीमेंट होने में, जैसे ही होगा वो लोग परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं. लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू भी, एफकेट के लिए भी और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए भी, जहां पर वुमेन्स यहां पर अप्लाई कर सकती हैं. और उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो कि उनके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. बहुत सारे लोग हैं जिनके एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होते हैं, दे लिटरली वॉन्ट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज, बट विद द हेल्प ऑफ दीज कोर्सेज क्लासेस यू कैन डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज. एनसीसी सीट सर्टिफिकेट भी एक एंट्री है. ठीक है, आप सभी को पता होगा एनसीसी के बारे में. ठीक है, सो एनसीसी में भी कोई एसएसबी होता नहीं है. अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस एसएसबी में डायरेक्टली कॉल आ जाता है आपका. वुमेन फीमेल एस्पिरेंट के लिए भी आता है, मेल एस्पिरेंट के लिए भी आता है. तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी एक एंट्री है हमारी. ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत सारी हैं. जैसे एक लॉ वाली एंट्री होती है जिसको बोलते हैं जैक. ठीक है, सो एक एंट्री है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ जैग. जो लॉ करते हैं लोग उनको जैग एंट्री का मौका मिल जाता है, तो जैग एंट्री के थ्रू भी जा सकते हो. तो बहुत सारी एंट्रीज हैं आपके पास और डेफिनेटली ये जो नंबर है इंक्रीज होता जाएगा. बट ये बिल्कुल सही टाइम है कि अगर आप इसमें किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो आप अपने डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करें. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सबको ध्यान रखना है. पैटर्न आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने इन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. थैंक यू अभिषेक. जैसा कि अभी आपने बताया, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि 12th के बाद डिफेंस में जाने के लिए हमारे पास कम ऑप्शन होते हैं. ग्रेजुएशन के बाद जाने के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शन होते हैं और कई सारे ऑप्शन तो डायरेक्ट एसएसबी के लिए होते हैं. इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद जो ग्रेजुएशन कर रहा है
या ग्रेजुएशन के बाद या बीटेक कर रहा है उसके लिए हम लोग रेगुलर रिटन टेस्ट के साथ साथ एसएसबी का एक सेपरेट बैच भी होगा और एक रिटन टेस्ट के साथ साथ हम लोग एसएसबी का बैच स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग सी सर्टिफिकेट हैं या आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो इन सब का फायदा लें, टाइम रहते हुए प्रिपरेशन करें। डिफेंस में जाने के इतने ऑप्शंस हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटी को आपको कैश कराना चाहिए। एक फोकस होकर अगर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे अभी आपको बोला, आप लोगों ने वीडियो सेशन देखे भी होंगे कि आप हर एक सेक्शन में अगर पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, चाहे वो फिर CDS हो चाहे एफकैट हो, किसी भी कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो आप कहीं ना कहीं स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में कई बार जो आपने बोला वर्ड कि कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन रहता है, चारों ऑप्शन ही करेक्ट लगते हैं। यस सर। तो अगर स्कोर करने के लिए बात आए तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके एक अच्छा पोर्शन होता है। तो एक पॉजिटिव माइंड से आप पढ़ाई चालू करें और जो जो आपके पॉसिबल जो भी क्वेश्चंस हो वो आप भेजें, हम उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।